ये पूरा सीक्वेंस रहता है और ऐसे ही करते हैं सब लोग। देखो अब ये बो करेंगे दो बार, फिर दो बार क्लैप, अभी प्रे, फिर जब प्रेयर एंड होगी तो वापस एक बार बो करेंगे। बिल्डिंग्स जो है ऐसे कर्व्ड शेप में ऊपर होती है, उसका वही रीजन है। ईगल्स जो है वो स्काई से ड्रॉप होती है और अगर आप ऐसा शेप दोगे तो वो वापस ऊपर चली जाएंगे। ये तेनरियोजी टेम्पल भी बिल्कुल ज़ेन टेम्पल है। टूरिस्ट की जगह पे मशीन्स दिखेंगी जहाँ से आप वेंडिंग मशीन, जहाँ से आप कॉइन डाल के एक बॉल निकाल सकते हो और उसमें आपका लक देख सकते हो। तो जापानी लोग उसमें बहुत बिलीव करते हैं और सब जगह आपको वो ट्राई करते हुए दिख जाएंगे। ये वापस हम चेरी ब्लॉसम ट्रीज के पास आ गए। यहाँ पे माचा फ्लेवर बहुत फेमस है, ग्रीन टी माचा, तो लोग बहुत ट्राई करते हैं। यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं। ये पहली आयोनिक 5 दिखी हमें यहाँ पे, पहली मतलब यहाँ पे जो है ये गाड़ी है। हाँ, तो जैसे कि मैं बता रहा था आयोनिक 5 दिखी हमें यहाँ पे हुंडई की गाड़ियाँ, मतलब धीरे धीरे वापस हुंडई यहाँ पे आ रही है। कहीं मैंने पढ़ा भी था कि जापान से 2010-11 में निकल गई थी हुंडई और अब वापस एंट्री कर रही है मार्केट में। ये सब स्वीट्स हैं, पिकल्स। स्वीट पोटैटो इलेक्ट्रॉनिक कार इंडिया में भी आ गई है। ये टेस्ला का कॉम्पिटिटर है बेसिकली। ये जो भाई BYD, ये टेस्ला का कॉम्पिटिटर है इंडिया में। ये आई थिंक रेस्टोरेंट है। आगे तेनरियोजी टेम्पल, यहाँ पे भी दोनों साइड्स में आपको चेरी ब्लॉसम दिखेंगे दोनों साइड। मार्च में यहाँ पे इसलिए लोकल टूरिज्म काफी रहता है मार्च अप्रैल में, बिकॉज ऑफ दिस चेरी ब्लॉसम्स। जैसा कि मैंने बताया था, ये यहाँ पे बिल्डिंग्स जो है ऐसे कर्व्ड शेप में ऊपर होती है, उसका वही रीज़न है। जापनीज बिलीफ कि ईगल्स जो है वो स्काई से ड्रॉप होती है और अगर आप ऐसा शेप दोगे तो वो वापस ऊपर चली जाएंगी। तो इस वजह से यहाँ पे रूफ टॉप्स ऐसे बनाए जाते थे पहले। अगेन वो बिलीफ है। How long?
ये तेनरियोजी टेंपल भी बिल्कुल ज़ेन टेंपल है। ये हम उसके पीछे वाली साइड में आ गए हैं, यहाँ से वॉक करके जाते हैं। एंट्री ये यहाँ पे है टेंपल की। इतनी ज़्यादा डिटेल तो मैं आपको नहीं दे पाऊँ क्योंकि बुद्धिस्ट टेंपल है ये और मुझे इतना नहीं पता है, पर हाँ ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पीसफुल एरिया यहाँ से रख रहे हैं ऊपर। अच्छा यहाँ पे टिकट लेके जाना पड़ेगा अगर आपको जाना है तो। ड्रैगन इज सेड टू बी द गार्जियन अगेंस्ट बुद्धिज्म एंड देयर आर मेनी ऑफ देम इन कंट्रीज़। ऑन द सीलिंग ऑफ द मेन हॉल इज अ पिक्चर ऑफ हेवनली ड्रैगन इन द क्लाउड्स नाइन मेंकर्स अक्रॉस फ्रॉम व्हिचएवर डायरेक्शन if you look at the dragon it is seriously seen to see him back the dragon always yes sir okay entrance aur yahan pe andar photography allowed nahi hai yahan se architecture to matlab similar hai japanese jahan pe bhi aap temples aur shrines ke jaoge to aise hi dikhta hai और हर एक की अलग इम्पोर्टेंस है। ये क्योटो एरिया में ये यहाँ पे टोरी गेट, नहीं यहाँ पे कोई शिंटो श्राइन भी होगा फिर टोरी गेट होगा। और ये सामने वो आई थिंक वो हॉल था, ड्रैगन हॉल था। वहाँ पे ऊपर टेरेस पे एक ऐसा ड्रैगन बना हुआ है जो आप कहीं से भी देखो तो ऐसा लगेगा वो आपको देख रहा है। मतलब वो भी एक जैन मतलब बुद्धिज़्म का बिलीफ था कि आप कहीं पे भी हो वो ड्रैगन आपको देख ही रहा होता है, गार्जियन ऑफ बुद्धिज़्म। यहाँ पे जैन वेजिटेरियन चीज़ें Zen for Buddhism. इसका क्या लिंक है? कमेंट में कोई बताएगा? तो ये था भाई तेनरियोजी टेम्पल, जिसका मतलब है हेवनली ड्रैगन टेम्पल। ये हेवनली ड्रैगन एज इन द गुड ड्रैगन, वही ड्रैगन जो जिसकी फोटो अभी दिखाई थोड़ी देर पहले, वो था जो कि ऐसा बोलते हैं कि इट वॉचेज यू फ्रॉम वेरेवर यू आर। ये है नोनोमिया, नोनोमिया
Buddhist praying. यहाँ पे भी लोग स्टिक्स पे वहाँ से स्टिक्स लेते हैं और फिर उसके लिखते हैं रखते जाते हैं I gotta catch the actual ring. Okay. Not that one. जैसा आपने देखा उसने आके पहले कॉइन डाला फिर रिंग किया बेल दो बार क्लैप की अभी प्रेयर कर रहा है वो प्रेयर करने के बाद सॉरी रिंग करने के बाद दो बार बाउ किया फिर क्लैप किया फिर प्रे किया एंड देन जाते टाइम वापस एक बार बाउ किया तो ये पूरा सीक्वेंस रहता है और ऐसे ही करते हैं सब लोग देखो अभी ये बाउ करेंगे दो बार फिर दो बार क्लैप अभी प्रे फिर जब प्रेयर एंड होगी तो वापस एक बार बाउ करेंगे So this is the right way to pay respect.